हेलो फैमिली, सो आने के बाद ऑफिस से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्यों नहीं रिकॉर्ड कर पाई। मैंने जैसे आप लोगों को बताया है कि कल आने वाले हैं मेरे फ्लैट पे कुछ गेस्ट, जो कि 4 to 5 days रहेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी, और वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं। तो यस, मैं दिखाती हूँ आपको। ये करिए, पूरी सफाई डन। सो ये करा है मैंने, प्लांट्स में पानी दिए हैं, मैंने पूरी फ्लैट की सफाई कर ली है, फिर पानी भी मंगवा कर रख लिया है एडवांस में। ये मैंने बना लिए अपने लिए लौकी की सब्ज़ी और जीरा राइस, और उसके बाद मैंने बना ली है मसूर की दाल जीरा। उसके बाद अभी मैं रोटी सेकने वाली हूँ। ये मैंने रायता का प्रिपरेशन कर लिया है, ये मैंने सैलेड कट कर लिया अपने। सो यस, इतना कुछ करने के बाद अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, और फिर मैं आपको खाना खाने के बाद वापस से मिलती हूँ। फिर मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगी, और कल के बाद से जो ब्लॉग आएगा वो स्पेशल ब्लॉग है। सो आप सब जैसे मेरे सारी वीडियोज़ को प्यार देते हैं, वैसे ही मेरे आगे के भी सारे वीडियोज़ को बहुत 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 सारा प्यार। सुबह ये पूरा कुछ डिलीवर हो गया बिग बास्केट से, अब मैं फटाफट इन्हें अरेंज करती हूँ और भागती हूँ ऑफिस। हेलो फैमिली, मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं फटाफट से भाग रही हूँ, क्योंकि मैं ट्राई करूँगी जल्दी जाऊँगी तो जल्दी आ पाऊँगी, क्योंकि 1 बजे तक जो गेस्ट आने वाले हैं वो आ जाएंगे, और मैं कल भी ऑफिस जाऊँगी, बट मैं परसों का वर्क फ्रॉम होम डालने का सोच। ये मैंने ऑफिस से निकलते हुए देखा रेनबो, और घर आने के बाद मैं वापस से निकल गई जो गेस्ट आए हुए थे उन्हें लेके बाहर वेनिस मॉल में मज़े करने के लिए। ये है वो क्यूट सी स्पेशल गेस्ट जो मेरे पास रहने के लिए आई थी 4 to 5 days, और उसके साथ मैं चली गई गेम जोन में। वेनिस मॉल में ये सेक्शन है और यहाँ पे हमने बहुत ही ज़्यादा मज़े करे। हमने वो एक स्विंग सा है उस, वो भी हमने किया है सबसे एंड में, वो वाला। फिर हम निकल गए टर्किश आइसक्रीम खाने, और यहाँ पे हमने आंटी के साथ किया प्रैंक, उन्होंने काफ़ी टाइम बाद उन्हें कॉल दिया। एंड देन मैं नेक्स्ट डे निकल गई ऑफिस के लिए। बहुत ही छोटे छोटे पार्ट मैंने रिकॉर्ड करे हैं। एंड देन जब मैं ऑफिस से आई तो फिर हम गए आंटी को मेला लेकर, और मेले में हमने किया बहुत ज़्यादा ही मज़े मस्ती, हमने कुछ सामान भी खरीदा एंड देन सारे झूले इंजॉय किए। और जो छोटू सा बच्चा था क्यूटी पाई, उसके साथ मैंने ट्रेन पे भी बैठी और काफ़ी घूमी, उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करवाया, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। बच्चे, हाय फैमिली, सो मैं बच्चों के साथ बच्ची बन गई और मैं क्लिप्स डालूंगी। मैंने बहुत सारे झूले झूले हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस बच्ची के साथ आई हूँ। एंड देन मेला इन्जॉय करने के बाद नेक्स्ट डे हमें जाना था दिल्ली, बट दिल्ली जाते वक्त हमें बहुत ही ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसी आ गई, जिसकी वजह से हमें हाईवे में ड्राइवर भी लेना पड़ा। सो वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक डे था। और उसके बाद नेक्स्ट डे दिल्ली से मैं निकल गई सीधा ऑफिस, ऑफिस से मैं पहुँच गई अपने घर, और जो गेस्ट आए थे वो दिल्ली में ही रुक गए। सो हेलो फैमिली, ये जो मैंने क्लिप डाला है, ये मैंने छोटे छोटे सेक्शन जो रिकॉर्ड करे थे वो मैं डाल रही हूँ, सो दैट आपको पता लगे, थोड़ा आइडिया लगे कि मैं कहाँ बिजी हो गई थी, जिस वजह से मेरे ब्लॉग्स कंटिन्यूसली नहीं आ रहे थे। मुझे लगा था कि मैं एवरी सिंगल डे ब्लॉग निकालूंगी, बट मैं बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ आप बिज़ी हो जाते हो, कुछ ना कुछ करना होता है। ये हुआ, और बीच बीच में हमने बहुत ही इन्जॉय किया। हम मॉल गए, मॉल पे हमने गेम जोन बहुत अच्छे से इन्जॉय किया, हम आइसक्रीम खाए, हम मेला गए, हम वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेकर आए, फिर हमें ज्वाइन किया दीदी ने। वो ब्लॉग मैं आपको दिख नहीं रही होंगी, क्योंकि हम इतने ज़्यादा मस्ती मज़े और ये सब करने में लग गए थे कि मैं फ़ोन उठाना ही भूल गई थी। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम गए दिल्ली, जो मैंने आपको एक सेक्शन बताया है मेडिकल इमरजेंसी का। जब हम दिल्ली जा रहे थे तो तबीयत ख़राब हो गई मेरी फ्रेंड की, एंड देन उसके बाद इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, इतना ज़्यादा सीरियस हो गया कि हमें हाईवे पे ही जो गार्ड्स होते हैं, फिर हमने उनसे हेल्प ली। एंड देन उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप यहाँ से एक ड्राइवर ले लो, मैं अरेंज करवा देता हूँ, एंड देन आप घर निकल जाओ। हमने एग्जैक्टली वैसा ही किया, हमें लगा कि नहीं, थोड़ा टाइम रेस्ट करने के बाद ही विल बी फाइन, बट ऐसा नहीं हुआ। तो हमने फिर ड्राइवर बुलवाया, फिर हम घर गए, एंड देन उसके बाद हमने खिचड़ी विचड़ी बनाई, बहुत ही लाइट
अपेटाइट, बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग हो रही थी। सो उसके बाद इवनिंग तक एवरीथिंग वॉज गुड, सब सेटल हो गया, सारी चीज़ें अच्छी हो गई। एंड देन मैं भागते हुए नेक्स्ट डे ऑफिस गई, और ऑफिस से आने के बाद मुझे लगा था मैं ब्लॉग्स कंटिन्यू कर पाऊँगी, बट नहीं, इवनिंग के टाइम पे मेरी फ्रेंड आ गई थी क्योंकि उसका एग्ज़ाम्स था। सो तब तक मैं अपने आप को संभाल रही थी और प्रोसेस कर रही थी कि अब मैं वापस से सारी चीज़ें करना स्टार्ट करूँगी। तब तक मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी हो गई थी पैरेलली, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ एंड देन चीज़ें वापस से स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे मज़ा भी आएगा। सो सारी ब्रेक्स ख़त्म, एवरीथिंग इज़ डन, और अब मैं डेली व्लॉग्स अपने वापस से शुरू कर रही हूँ। एंड अब मैं खुद से प्रॉमिस कर रही हूँ कि अगर मैं कभी लॉन्ग व्लॉग्स नहीं निकाल पाई अपने, तो मैं शॉर्ट वीडियोज़ तो डेफिनेटली निकालूंगी कि मैंने वो पूरे दिन क्या किया। एक्चुअली प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको यूट्यूब के साथ कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, क्योंकि शॉर्ट्स के लिए आपको वर्टिकल क्लिप्स लेने होते हैं एंड ब्लॉग के लिए आपको हॉरिजॉन्टल, सो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है। बट आई विल ट्राई कि अगर जिस दिन मैंने व्लॉग्स नहीं रिकॉर्ड किए, मैं हॉरिजॉन्टल वीडियो को वर्टिकल करके आप लोगों के साथ अपना दिन शेयर करूँगी। सो यस, काफ़ी टाइम हो गया, और अब वापस से आप मेरे सारे व्लॉग्स को उतना ही प्यार देना जितना आपने पहले दिया था। नाउ आई प्रॉमिस कि मैं एवरी सिंगल डे व्लॉग लेकर आने वाली हूँ अपना। सो या, बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो मेरा व्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलना। सो लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।